मैं होम्योपैथिक डॉक्टर निरम भट्ट, वाइस चेयर पर्सन COH पाकिस्तान। आज मेरा कोई टॉपिक नहीं है, क्लिनिकल टिप्स हैं आपके लिए और मैंने दो तीन टॉपिक चुने हैं उसके ऊपर मैं आपको क्लिनिकल टिप्स दूंगी। और ये जो क्लिनिकल टिप्स हैं ये ना सिर्फ क्लिनिकली मेरे अपने इस्तेमाल में ये मेडिसिन रही हैं बल्कि ये मेडिसिन अपने इन करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की वजह से बहुत ज़्यादा शोहरत रखती हैं। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि हम किसी भी मेडिसिन के किसी भी करेक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है और बल्कि पूरा पूरा यकीन है कि अगर आप इन क्लिनिकल टिप्स को, उनमें बताए गए करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को उनकी मेडिसिन के साथ उस रेफरेंस से, यानी जिस टॉपिक के हवाले से मैं बताने जा रही हूँ, आप अगर इनको जहन नशीन कर लेंगे तो आप क्लिनिकली बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको छोटे बच्चों के हवाले से कुछ टिप्स देती हूँ और ये जो मेडिसिन इनके साथ मैं बताऊँगी, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी मेडिसिन का पहले पता भी होगा, कुछ मेरे बताने से एनहैंस एक तरह से हो जाएगा, जो लोग नहीं जानते उनके इल्म में ये बातें आ जाएंगी कि छोटे बच्चों में हम किस बुनियाद पर किस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों के हवाले से मैं पहली बात आपको बताऊं कि अगर छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हों तो आप लोगों ने सिना का नाम सुना है कि सिना जो हमारी मेडिसिन है वो बहुत बेहतरीन काम करती है पेट के कीड़ों के हवाले से। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ सिना काम करती है, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं हमारी जो पेट के कीड़ों में काम करती हैं, लेकिन सर फहरिस्त जिस मेडिसिन का जिक्र आता है वो सिना है। और जहाँ पर सिना काम ना करे वहाँ पर बच्चों में पेट के कीड़ों के हवाले से जो मेडिसिन काम करती है वो सिकुटा है। बच्चे अगर रात के वक्त खांसी करते हैं और उस खांसी की वजह से वो उठते भी नहीं, यानी नींद में खांसी करते हैं, नॉर्मली तौर पर जब हम खांसते हैं तो सोई हुई हालत से हम उठ जाते हैं, खांसी की वजह से हमारी नींद खुल जाती है और हमें खांसी जो है वो सोने नहीं देती। लेकिन यहाँ पर देखिए कि बच्चों में क्या सिम्टम पाया जा रहा है कि बच्चे रात को जागे बगैर यानी नींद की हालत में खांसी करते हैं और उस खांसी की वजह से उठते नहीं, जागते नहीं। तो नींद में जो खांसी होती है बच्चों के हवाले से, उसमें जो पहले नंबर के ऊपर दवाई इस्तेमाल होती है वो कैमोमिला को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारी और भी मेडिसिन है जिनको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नाइट्रिक एसिड है इसको इस्तेमाल किया जाता है, साइक्लामिन को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहले नंबर पर जो मेडिसिन आती है वो कैमोमिला को इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो बच्चे जिनमें ऐसी अशिया खाने की ख्वाहिश पाई जाती है जो हज़म नहीं होती, जैसे कि चौक खाते हैं, सीमट खाते हैं, मट्टी खाते हैं, कोयला खाते हैं, तो ऐसे बच्चों की जो मेडिसिन हैं, जो टॉप क्लास मेडिसिन हैं, उनमें सरफ्रेस्ट जो हमारी मेडिसिन आती है वो कैल्केडिया कारवाती है। फिर एलुमिना हमारी मेडिसिन है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है और सिकुटा को भी इस मर्ज़ के लिए, बच्चों में जो नाकाबले हज़म अशिया खाने की उनके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है इस्तेमाल किया जाता है। छोटी बच्चियों में अगर लिकोरिया पाया जाता है तो छोटी बच्चियों में ये जो लिकोरिया पाया जाता है ये किसी ना किसी म्याज्म की वजह से होता है। आप चाहें तो म्याज्मेटिकली कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे कि आप सिफिलिस म्याज्म के अगर सिम्टम्स या मैनिफेस्टेशन ज़्यादा हैं तो आप सिफिलिस को इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप चाहें तो थूजा को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो छोटी बच्चियों में लिकोरिया पाया जाता है तो उसमें जो हम पहली मेडिसिन जिसको प्रेफर करते हैं वो पल्साटीला और सिपिया है। मैं ये नहीं कहती कि दूसरी कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होती, मर्कसॉल को इस्तेमाल किया जाता है, कैनाबिस को इस्तेमाल किया जाता है, कार्बो एसिड को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो पहले नंबर के ऊपर इस्तेमाल होती हैं छोटी लड़कियों में लिकोरिया के लिए वो हमारी मेडिसिन पल्साटीला और सिपिया है। छोटे बच्चों में अगर कब्ज़ पाई जाती हो, जैसे कि न्यूबॉर्न बेबीज हैं अगर वो पैदा हुए और कब्ज़ का शिकार हैं, तो वहाँ जिस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है वो जिंकम को इस्तेमाल किया जाता है। दूध पीने वाले बच्चों में, यानी कि जो माँ का दूध पीते हैं या दूसरा बाज़ारी दूध पीते हैं, दूध पीने वाले बच्चों में अगर कब्ज़ की शिकायत पाई जाती है तो हम रेट्रम एल्बम को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर बच्चे जो हैं किसी चीज़ को अपने मैदे में रोक नहीं पाते, मैदे में चीज़ रोकने का मतलब होता है कि बच्चा जैसे ही कोई चीज़ खाता है या पानी पीता है या दूध पीता है फ़ौरन वॉमिट कर देता है,
इधर आपने उसे दो घूंट पानी के पिलाए और बच्चे ने वॉमिट कर दिया। तो याद रखिए कि जब बच्चा अपने मैदे में कोई चीज़ नहीं रोक सकता और ये चीज़ आपको किसी भी उम्र के बच्चे में मिले, आपकी जो मेडिसिन है वो माइग्डेलिस है। मैं इस मेडिसिन के हवाले से आपको एक और क्लिनिकल टिप दे दूँ, ये बच्चों के हवाले से नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मॉर्निंग सिकनेस की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई जो है माइग्डेलिस है। आपने एपिकोक का नाम सुना है कि वॉमिटिंग और नोज़िया के लिए बेहतरीन मेडिसिन है और पहले नंबर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन यकीन जानिए अगर आप मॉर्निंग सिकनेस में जिस तरह हमारी दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, सिपिया का इस्तेमाल किया जाता है, एपिकोक का इस्तेमाल किया जाता है, सिम्फोरिकस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको ये एक सिम्टम मिले कि हामला खातून जो है वो मुंह में जैसे ही कोई चीज़ डालती है, पानी भी डालती है, फौरन वॉमिट कर देती है, खाना तो बड़ी दूर की बात है, सिर्फ पानी के एक दो घूंट ही लेती है और वॉमिट कर देती है, तो पहले नंबर के ऊपर आपकी जो दवाई आती है वो माइग्डेलिस आती है। तो ये मेडिसिन चाहे मॉर्निंग सिकनेस के हवाले से है, चाहे छोटे बच्चों के हवाले से है, चाहे दरमियानी उम्र के बच्चे से है जैसे कि 10-12 साल के बच्चे होते हैं, या लड़कियों में कोई भी मर्द औरत बच्चा जिस किसी में भी आपको जब ये सिम्टम मिलता है कि मैदे में कोई चीज़ रोक नहीं सकता, पानी के दो घूंट भी लेता है और वॉमिट कर देता है, तो आपकी जो मेडिसिन है वो अमाइग्डेलिस है। इसी तरह वो बच्चे जिनमें डॉक्टर का खौफ पाया जाता है, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहते, तो ऐसे बच्चों की जो दवाई होती है वो जिल्थीमियम होती है। तो ये चंद एक टिप्स थी बच्चों के हवाले से। मेडिसिन बच्चों को सहाल भी लगते हैं, डायरिया भी होता है, उसमें भी हम मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं, फिर वो उसमें डायरिया की किस्म आ जाती है कि पानी की तरह पतले आते हैं, गैर हज़म शुदा खुराक के आते हैं, तो फिर मेडिसिन की जो है वो क्लासिफिकेशन डिफरेंट होना शुरू हो जाती है। तो मैंने डायरिया के हवाले से इसलिए नहीं आपको इसमें बताया, मैंने मेन चीज़ें आपको बता दी ख़ासतौर पर जिनमें बच्चे शिकार रहते हैं। तो ये जो हमारी मेडिसिन हैं ये हमारी टॉप के ऊपर मेडिसिन आती हैं जिनका मैंने आपको जिक्र किया। अब कुछ क्लिनिकल टिप्स मैं आपको पैर के हवाले से दे दूँ, फुट हमारा जो पाँव है उसके हवाले से मैं आपको कुछ क्लिनिकल टिप्स दे दूँ। अगर पाँव के तलवे बहुत ज़्यादा दुखते हों, यानी बॉल्स भी दुखते हों और हील्स भी दुखती हों, पाँव के तलवों में बॉल्स होते हैं हमारी उंगलियों के पीछे वाला जो हिस्सा है और हील्स एरियों को कहते हैं, अगर ये तलवे बहुत ज़्यादा दुखते हों, पाँव के बॉल्स दुखते हों, हील्स में दर्द आती हो, तो हमारी जो पहले नंबर के ऊपर दवाई इस्तेमाल होती है वो मेडोराइनम है। एरियों में अगर दर्द हो और इस तरह महसूस हो कि जैसे ज़ख्म बन गए हैं, तो हमारी जो मेडिसिन है वो एमोनियम म्योर है। एड़ियों में दर्द आता हो, बहुत ज़्यादा दर्द आता हो, पेशेंट खड़ा ना हो सकता हो, तो वहाँ पर जो पहले नंबर के ऊपर आपके लीजिए मेडिसिन आती है वो पल्साटीला आती है, और पल्साटीला एड़ियों की दर्द की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। आप अगर चाहें तो सबसे पहले स्टार्ट ही पल्साटीला से ले सकते हैं, और पेशेंट आकर सिर्फ एक ही सिम्टम आपको देता है कि मेरी एड़ियों में दर्द पाया जाता है। तो जहाँ पर आपको पेशेंट आके सिर्फ एक सिम्टम दे कि एड़ियों में दर्द पाया जाता है, मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता उस दर्द की वजह से, तो आप आंखें बंद करके बिला झिझक जिस मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकते हैं वो पल्साटीला है। सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते हुए अगर दर्द होती है पाँव में, तो वहाँ हम रूटा को इस्तेमाल करते हैं। अगर इस तरह लगे कि पैर में मोच आ गई है, यानी सेंसेशन एज इफ कि पैर मुड़ गया है, मोच आ गई है, तो वहाँ हमारी दवाई जो है आर्निका और स्टॉक्स हो जाती है। अगर सुइयाँ चुभने के से दर्द पाए जाते हैं, तलवों में एड़ियों में दर्द आती है, जलन आती है, हमारा जो अंगूठा है बिग टो जिसको कहते हैं उसमें दर्द आती है, और हमें अपने जो पैर के टोज और बॉल हैं वो हमें इन्फ्लेम महसूस होते हैं कि जैसे सूज गए हुए हैं, इन्फ्लेम कर गए हैं, तो वहाँ हमारी जो मेडिसिन आती है वो बोरेक्स आती है। पैर के तलवों के हवाले से जिस तरह मैंने आपको कहा कि पैर को आप डिवाइड कर लीजिए, एक हमारा बिग टो बनता है, उसके पीछे हमारे फिर बॉल आते हैं, फिर हमारी आर्क आती है, सिवाय उन लोगों के जिनके पैर बिल्कुल चपटे होते हैं उनके पैरों में आर्क नहीं बनती है, उसके पीछे हमारी हील आती है। तो आप देखिए कि पैर के किस हिस्से में दर्द आ रही है, पैर के हील में दर्द आ रही है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि हो सकता है
कि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया हो। अगर बिग टो यानी अंगूठे में दर्द आ रही है तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है यूरिक एसिड का। पैर के तलवे अगर जलते हैं तो ये इंडिकेशन होता है या तो आपको शुगर बहुत ज़्यादा है या आपके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और फिर जिस तरह मैंने अपना कुछ दिन पहले लेक्चर दिया था सल्फ़र के हवाले से कि अगर हाथ पैर बहुत जलते हों और पेशेंट अपने पाँव को कवर ना करके रखता हो तो वहाँ पर हम सल्फ़र इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर मुझे याद आ गया, मैंने अभी 5 दिन पहले अपने पेशेंट को मेरे पास आई, पेशेंट आई 5 के 6 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई और उन्होंने मुझे जब अपने सारे सिम्टम बताए, नॉर्मली वो ये बता रही थी मुझे कि उनको दर्दें बहुत ज़्यादा है, कंधों में दर्दें हैं, कमर में दर्द हैं, टांगों में दर्द हैं। और उन्होंने मुझे एक करेक्टरिस्टिक सिम्टम दिया अपना, उन्होंने कहा कि मैं साल हा साल से अपने पैर कवर करके नहीं सोती हूँ, मैं गर्मियाँ सर्दियाँ अपने पैर जो है खुले रखती हूँ, मैं अपने पैर के ऊपर कपड़ा नहीं डाल सकती। अब यकीन जानिए मैंने इसी एक सिम्टम के ऊपर उनको सल्फ़र पोटेंशियस होकर मेरे जहन में नहीं आ रही 200 या 1 mm का मैंने उन्हें इस्तेमाल करवाया, 4 दिन की मैंने उन्हें प्लासिबो इस्तेमाल की करवाई, 5वें दिन जब मेरे पास आई वो इतनी खुश थी अपनी तकलीफ़ के हवाले से, उन्होंने कहा मुझे इतना आराम है कि मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं उन्हें दोबारा दवाई देती। और यकीन जानिए मैंने उनको दवाई नहीं दी, मैंने कहा भैया आप बेहतर हैं, जब आपको लगेगा कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है या आपको तकलीफ़ है आप आइएगा, मैं आपको दवाई बना के दे दूँगी। तो देखिए जब हमारे पास कोई एक करेक्टरिस्टिक सिम्टम आता है तो हमारी मेडिसिन हमारे सामने वाजिया हो जाती है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि तलवे बहुत ज़्यादा दुखते हैं और इन तलवों में आपकी हील भी शामिल है, आपके बॉल्स भी शामिल है, तो आपकी मेडिसिन मेटोराइनम है। अगर सिर्फ आपके हील में पेन आती है, बहुत ज़्यादा पेन आती है, तो जब मैंने आपको बताया कि पहले नंबर के ऊपर जो दवाई इस्तेमाल होती है वो पल्साटीला इस्तेमाल होती है। नो डाउट आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आप पेशेंट को टेस्ट करवा सकते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि आप अपनी शुगर चेक करवा लीजिए, आप उन्हें यह भी कह सकते हैं कि अपना यूरिक एसिड चेक करवा लीजिए, अगर हड्डियों में साथ में दर्द आ रही है तो आप एक्सरे का भी मशवरा उन्हें दे सकते हैं। लेकिन एक करेक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर आप एक मेडिसिन सेलेक्ट कर जाते हैं। और मैं फिर से ये बात कहूँगी कि मेरे जो सुनने वालों में से जो वो साहब ये कहते हैं कि आप तुक्के मारती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कभी वो मुझसे मिलें और मैं उनको अपने केसेस दिखाऊं। आज तक मैंने अपनी डायरियाँ संभाल के रखी हुई हैं और मैंने कभी अपनी डायरी जो है 20 साल मुझे हो गए, मैंने कोई डायरी ज़ाया नहीं की जिसने मेरे बेशुमार कामयाब और नाकाम केसेस जो हैं उन डायरी में महफूज हैं। तो ये तो रिसेंटली इसी हफ्ते का आप कह लीजिए कि मेरा एक पेशेंट का मैंने आपको जो वाकया बताया है और मैंने उन्हें दवाई इस्तेमाल नहीं करवाई है, अल्लाह पाक उन्हें शिफा दिए रखे। अगर मैंने उन्हें 1 mm में सल्फ़र इस्तेमाल करवाई होगी तो इंशाल्लाह 15-20 दिन 25 दिन तो वो दवाई ही काम करती रहेगी, एक सिंगल डोज ही काम करती रहेगी। और अगर मैंने उन्हें 200 इस्तेमाल करवाई होगी फिर भी 15 दिन उन्हें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये भी आपके लिए एक क्लिनिकल टिप है कि जब आप 200 की एक पोटेंसी इस्तेमाल करवाते हैं तो 8-10 दिन प्लास्मो के ऊपर डाल दीजिए, 1 mm इस्तेमाल करवाते हैं तो 20-25 दिनों के लिए प्लास्मो के ऊपर डाल दीजिए। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरह चाहें अपने पेशेंट को डील कर सकते हैं। मेरा काम आपको क्लिनिकल टिप्स देना है और मैं उस टिप्स के हवाले से मैंने आपको ये अपने पेशेंट का वाकया बताया है और फुट के हवाले से मैंने आपको टिप्स दिए हैं, जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं आप इनको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से अगर कोई रुकावट हो और मरीज़ को शफा ना मिलनी हो तो वो एक अलग बात है, वरना आप नाकाम नहीं होंगे। तीसरा टॉपिक जो मेरा आज क्लिनिकल टिप के हवाले से है वो दांत है। तो दांतों के हवाले से मैं आपको क्लिनिकल मेडिसिन कुछ बता देती हूँ कि हमारे अगर गले सरे दांतों में दर्द होता है तो हमारी जो बेहतरीन मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, डॉक्टर्स को तो यकीनन इल्म होगा, मैं न्यू कमर्स के लिए बता रही हूँ या उनके लिए जो सीखना चाहते हैं, तो हमारी जो टॉप ग्रेड मेडिसिन है वो स्टेफिसैगेरिया है, करियाजोटम है, मेजीरियम है और मर्कसॉल है। मर्कसॉल बेहतरीन दवाई है आपके दांतों के हवाले से, थूचा भी बेहतरीन काम करती है। और जैसा मैंने गले सरे दांतों के हवाले से आपको बताया कि करियाजोटम और स्टेफिसैगेरिया टॉप के ऊपर आती हैं, आप इन मेडिसिन को इस्तेमाल करवाइए। दांत का अगर बहुत शदीद दर्द है, नर्व पेन आ रही है, दांत हमारे और कान हमारा चूँकि डायरेक्ट हमारे ब्रेन के साथ रिलेटेड होते हैं लिहाजा इनमें जब दर्द आता है तो नाकाबले बर्दाश्त आता है। तो अगर आपके दांतों में शदीद दर्द आता है तो पहली मेडिसिन आपने पेशेंट को पुरसकून करने के लिए जो इस्तेमाल करवानी है वो आपकी मेडिसिन कैमोमीला है। अगर दांतों के साथ
यानी कि दांत की तकलीफ़ है और चेहरा भी स्वेल कर जाता है और मसूड़े भी आपके स्वेल कर जाते हैं, तो हमारी जो मेडिसिन यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं वो फिर वही बात मर्कसॉल और बेलाडोना है। मर्कसॉल जो है दांतों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि थूजा को भी इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह मर्कसॉल को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप 200 की एक डोज दे दीजिए, आप देखिएगा कि आपके पेशेंट को कितना आराम आता है। हमल के दौरान अगर दांतों में दर्द आता है तो आपको पता होगा कि जब हमने कैमोमिला पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, तो कैमोमिला का ये सिम्टम पाया जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसके दांतों में हमल के दौरान दर्द आता है। इसके अलावा हम बेलाडोना को भी इस्तेमाल करवाते हैं, नक्स वोमिका को भी इस्तेमाल करवाते हैं। बाकी अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम तो आप किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये तो मैं आपको क्लिनिकल टिप्स बता रही हूँ कि जो लाजिम और मलजूम है, बाकी आप चाहें तो आप की अपनी चॉइस है कि आप किस मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं। मजबूत दांतों में अगर दर्द आता है तो हमारी मेडिसिन एकोनाइट है। मजबूत दांतों से मतलब कि ना उनमें कीड़ा लगा है, ना वो केरीज में है, ना गल्स सल रहे हैं, ना हिलते हैं, ना उनमें कोई दूसरा मसला पाया जा रहा है, ये लेकिन इसके बावजूद अगर दर्द आता है उनमें तो हमारी मेडिसिन जो है वो एकोनाइट है। अब दांत के दो हिस्से हैं, अगर मैं नॉर्मली बात करूं, एक क्राउन हमारा जो हमें नज़र आता है, एक उसकी रूट है जो हमें नज़र नहीं आती, अंदर होती है। तो अगर क्राउन जो है वो गलने सड़ने लग जाए तो हमारी मेडिसिन जो है वो स्टेफिसाइगेरिया और मर्कसॉल है। यानी ऊपर वाला दांत जो है जो हमें नज़र आता है, जिसे हम चबाते हैं, अगर उसमें ख़राबी पैदा हो रही है, वो केरीज का शिकार हो रहे हैं, गल सड़ रहे हैं, तो हमारी मेडिसिन स्टेफिसाइगेरिया और मर्कसॉल है। और अगर यही केरिस रूट की तरफ से आती है, नीचे की तरफ से आती है, तो फिर हमारी मेडिसिन जो है वो थूजा और मर्कसॉल बन जाती है। दांत में अगर फिस्टुला बन जाए या नासूर बन जाए या दांत बहुत जल्द गल सड़ जाए तो हमारी जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो फ्लोरिक एसिड इस्तेमाल होती है। फिस्टुला के हवाले से मैंने आपको पढ़ाया भी था कि फिस्टुला किसे कहते हैं, एक एबनॉर्मल चैनल बन जाता है जिसमें मवाद जो है एक जगह से दूसरी जगह आना शुरू हो जाता है। तो ये अगर दांत में फिस्टुला पाया जाए तो हमारी जो मेडिसिन है वो फ्लोरिक एसिड इस्तेमाल होती है। तीन मैंने आपको टॉपिक्स के हवाले से आज क्लिनिकल टिप्स दी हैं। लेक्चर लंबा हो जाता है तो फिर उसको बनाना और उसको शेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आज भी मेरा लेक्चर जो है वो 18 मिनट के ऊपर चला गया है। और इसमें मैंने आपको बच्चों के हवाले से कुछ टिप्स दी हैं और मैंने आपको पैर के हवाले से, फुट के हवाले से और आपके दांतों के हवाले से टिप्स दी हैं। मैं अगर बच्चों के हवाले से या मैं अपने पैरों के हवाले से, तो मैंने आपको बता ही दी, अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी बता दिया। मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं जिसमें अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी भी अता की है। तो मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि जब आपको किसी मेडिसिन का करेक्टरिस्टिक सिम्टम मिल जाए तो फिर आँखें बंद करके उस मेडिसिन की सिलेक्शन कर लीजिए। बहुत कम होता है कि हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हमें करेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं मिल रहा होता, तो वहाँ हमारे लिए मुश्किल हो जाती है मेडिसिन की सिलेक्शन करनी। और ये रेयर होता है, वो आमतौर पर ये जो होता है ना जिसमें सिम्टम्स नहीं हमें ज़्यादा मिलते, वाजह नहीं होते, तो वो वन साइडेड डिजीज होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप दे दूँ, ये जो वन साइडेड डिजीज होते हैं ना, इनमें हमें कोई भी प्रॉपर इलामत नहीं मिलती है। हर चीज़ हमें एक तरह से साफ होती है, हमें समझ नहीं आती कि हमने मेडिसिन की सिलेक्शन किस तरह करनी है। तो ऐसे अमराज जिनमें इलामत वाजिया नहीं होती, आपके लिए मेडिसिन की सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे होते, ना आपको करेक्टरिस्टिक सिम्टम मिल रहा होता है, ना आपको मोडलिटीज़ मिल रही होती हैं, ना आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मिल रही होती हैं, ना पिक्यूलियर सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, ना आपको माइंड के हवाले से सिम्टम मिल रहे हैं, ना आपको फिज़िकल सिम्टम्स मिल रहे हैं। तो ये जो इस तरह के इमराज होते हैं, फिलॉसफी में इनको वन साइडेड डिजीज़ कहते हैं। तो चूँकि मैं टिप आपको दे रही थी तो मैंने कहा चले मैं इस हवाले से भी दे दूँ। तो याद रखिए, हमारे जितने भी वन साइडेड डिजीज होते हैं ये सोरा म्याज़्म को ज़ाहिर करते हैं। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको दूँगी कि आपने बाद देखा होगा कि कुछ लोगों में अजीबोगरीब किस्म की आदत पाई जाती है, जैसे
बार बार हाथ धोते हैं। बाहर वो बिल्कुल सेहतमंद होते हैं, उन्हें कोई मसला नहीं, ना मेंटली ना फिज़िकली कुछ नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा अपने हाथ को धोते हैं और उठ के जाते हैं हाथ धोते हैं वापस आते हैं, फिर उन्हें वहम होता है कि हाथ मेरा गंदे हो गए, फिर जाएंगे हाथ धोएंगे। वहम ना भी हो तो बार बार हाथ धोना उनकी एक ऐसी आदत बन जाती है जिससे घर वाले भी चिढ़ना शुरू कर देते हैं, देखने वाले भी चिढ़ने लग जाते हैं और मरीज़ को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। मैं आप इस चीज़ को मामूली चीज़ समझेंगे, लेकिन यकीन जानिए कि मेरी अपनी फैमिली का ये एक वाकया है कि बच्चा जो है वो इस कदर यानी कि अपने हाथ धोता था, अपने आप को धोता था कि वो घंटा घंटा बाथरूम से बाहर नहीं निकलता था। फैमिली वाले किसी फंक्शन पे बैठ जाने के लिए तैयार बैठे हैं और बच्चा जो है वो तैयार नहीं हो पा रहा, फैमिली के फंक्शन जो है उनका टाइम आउट हो रहे हैं, जाहिर है आपको पता है हॉल्स के टाइम हैं और अब पाबंदियाँ भी ज़्यादा हैं और सख्तियाँ भी हैं, उस बच्चे की वजह से उसके माँ बाप रोने वाले हुए होते थे और इतने परेशान रहते थे उस बच्चे की वजह से कि बच्चे में और कोई प्रॉब्लम नहीं थी सिवाय इसके कि वो या तो अपने हाथ धोता रहता था या नहा नहा के अपने जिस्म से मैल उतारता रहता था और उसके हाथ भी नहाने धोने की वजह से अजीब हो गए हुए थे, घर वाले अलहदा परेशान रहते थे, फैमिली उसकी अलहदा परेशान रहती थी। तो ऐसे इमराज जिनमें आपको वाजह सिम्टम्स नहीं मिलते हैं वो वन साइडेड डिज़ीज़ कहलाते हैं। तो वन साइडेड डिजीज़ जो होते हैं सारे के सारे सोरा की मैनिफेस्टेशन में आते हैं। अगर आपके पास कभी इस तरह का कोई पेशेंट आए जिसमें इलामत वाजिया ना हो, फिज़िकल और मेंटल इलामत वाजिया ना हो, कोई करेक्टरिस्टिक भी नहीं आपको मिल रहा, तो वहाँ आप सल्फर का या किसी भी एंटीसोरिक मेडिसन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। शुक्रिया।